आप देख सकते हैं कि हथुआ महाराज का पूरा परिवार, महाराज हैं, महारानी हैं, पुत्र हैं, उनकी बहू हैं, छोटी बच्चियां हैं, ये पूरा परिवार आज इस विजयदशमी के अवसर पे यहाँ पे खड़ा है। ये सौभाग्य है हम सबका, ये सौभाग्य है हमारे ATL लाइव का कि आज हम पूरे हथुआ परिवार, राज परिवार को हम समेटने का काम कर रहे हैं। और इस खास मौके पे जब पूरी प्रजा अपने राजा की एक झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है, हम महारानी हैं और यहाँ से हम लोग जब निकलेंगे तो महाराज से हम बात करेंगे कि ये परंपरा क्या है, कितने दिनों से है। तो ये सौभाग्य है पूरा हम सबका कि आज के इस विशेष अवसर पे पूरा राज परिवार का एक साथ हमें दर्शन करने का, पूरे इस यहाँ की जनता को एक हेलो आप देख सकते हैं कि बस अब महाराज की सवारी यहाँ से निकलने वाली है। महारानी पूनम शाही सबसे पहले गजराज की पूजा करते हुए विधि और परंपरा के अनुसार सभी लोग यहाँ से दशहरा के अवसर पे ये सवारी निकलती है। और उसके पहले जो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा अर्चना भगवान गणेश के बिना नहीं शुरू हो सकती, और उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महारानी स्वयं पूरे परिवार के साथ गजराज की पूजा करने के बाद से यहां से निकलने वाली हैं। Thank you.
कि आपने देखा कि एक बहुत बड़ा काफिला आज यहाँ पैलेस में मौजूद था और बहुत सारे लोग पारंपरिक ड्रेस में यहाँ पे मौजूद थे, और जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है उनकी आस्था, उनका विश्वास आज देखते बन रहा था। जब लोग ये कह रहे थे कि हम अपने राजा के प्रति हम उनके लिए जान दे सकते हैं, उनके लिए जान ले भी सकते हैं, बहुत से लोग इस तरह की बातें की, तो आज हम महाराज के साथ मौजूद हैं। महाराज आप बताएं, ये बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दी, सवारी निकली है, ये क्या है? क्योंकि हम भी पहली बार यहाँ पहुँचे हुए हैं, हमें भी यहाँ की जानकारी नहीं है, यहाँ की परंपरा की जानकारी नहीं है, ये क्या है सर? ऐसा है कि नवरात्रा जो होता है और दशहरा जो होता है उसका मेन सिग्निफिकेंस है कि अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर। अब जब सब दशहरा का पूजा पाठ खत्म हो गया, सब क्लोज हो गया इस साल के लिए, तो एक दशहरा चक्कर निकलता है। पहले जमाना में यहाँ पर महाराजा जो थे वो बग्घी पर खुद बैठते थे और यहाँ से गोपाल मंदिर दर्शन करते थे और चारों बगल घूम के फिर वापस पैलेस में आते थे। महाराजा कृष्ण प्रताप शाही हाथी के हौदा पर बैठ के निकलते थे। पर्दा सिस्टम यहाँ था, इसलिए दशहरा चक्कर का जो पुरनका हथुआ है, जिसको पहले हथुआ बुजुर्ग कहा जाता था, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ दीवाल थे कि महाराज जब बैठे रहें हाथी के ऊपर तो किसी के आंगन को नहीं देखें, और ये खुशी का माहौल है। फिर एक साल के बाद आएगा तो ये गोल चक्कर जो अभी यहाँ से आपका काफिला जो निकला है जी, कई लोगों से बातचीत हुई हमारी, उन्होंने कहा कि ये बीच में बंद हो गया था लेकिन महाराज बहादुर के कारण ये फिर से इधर कुछ सालों से शुरू हुआ है, तो आखिर ऐसा क्यों? बीच में बंद होने का दो तीन रीज़न था। एक रीज़न ये था कि राजमाता मेरी माँ बहुत यंग एज में विडो हो गई, हम बहुत छोटे थे, हम यहाँ रहते नहीं थे, हम पढ़ने के लिए दार्जिलिंग रहते थे। फिर जब हम लोग आए तो जितनी पुरानी बग्घियाँ थी सबको ठीक कराया गया, ठीक करा के महारानी साहब प्रेजेंट महारानी साहब का इच्छा हुआ कि जितना पुराना मंदिर है, पूजा पाठ है और जो भी सिस्टम था हम लोग इसको वापस लाए। उसी को यहाँ हमारे जितने स्टाफ लोग हैं वो लोग मिल के ऑर्गेनाइज करते हैं। हम बहुत लकी हैं कि आई हैव गॉट अ वेरी गुड एंड एबल पीपल हु वर्क फॉर मी। सर आज बहुत से लोगों से हमारी बातचीत हुई है, कुछ घंटों से हम बाहर थे और लोगों से बातचीत हो रही थी, लोगों ने आज भी इस समय में इस जहां आदमी मतलब के बिना कुछ कहता नहीं है, लेकिन आज उनकी आस्था देखते बन रही थी, उनका कहना था कि हम महाराज के लिए हैं, महाराज हमेशा हम लोगों के लिए खड़े होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज भी आपके प्रति आस्था वही है। जी वो लोग भी हमको प्रेम करते हैं, हम भी दिल से प्रेम करते हैं। और आपको परिचय करा दें, हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर जिनको हथुआ के में कहा जाता था बुढ़िया सरकार, डाउजर महारानी, वो छपरा के बाल गांव से थी, और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के मरने के बाद से उन्होंने हथुआ को रूल किया। बाल के आप नवल बाबू हैं। और हमारी तीसरी दादी मेरे ग्रैंडफादर की तीन शादी, पहली मधुवन, दूसरा चैनपुर, तीसरा तित्रा, तो आप तित्रा से हैं। सर आज विजयदशमी का पर्व है और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है आज के दिन, और आपके यहाँ भी इतना मजमा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आपके प्रजा यहाँ पे आपके दर्शन के लिए, पूरे परिवार, ये सौभाग्य मिला कि हम सभी को कि एक साथ पूरे परिवार को देखने का सौभाग्य मिला, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन सर? सबकी भलाई हो, भगवान सब पर कृपा रखें, और ये माहौल और अच्छा बनते जाए सालों साल।
आपने देखा कि सर से अभी हमारी बातचीत हो रही थी और बड़े सादगी के साथ उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा कि आज विजयदशमी का पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है, आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है और उसी जीत का जश्न आज इस हथुआ पैलेस ने भी दिखाई दिया है, जब यहाँ की प्रजा अपने राजा के प्रति घोर इतनी आस्था विश्वास व्यक्त कर रही थी, तो ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। और हम भी चाहेंगे कि यह परंपरा आगे भी इसी तरह से बढ़ चढ़ के ये परंपरा आगे भी चलती रहे। और इसी के साथ हम आपको ले चलेंगे कि जब बाहर ये जो ये काफिला यहाँ से निकला है और कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हथुआ राज की जो विरासत है वो विरासत कैसी है, कितनी सुंदर है, वो हम आपको दिखा